हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल मैजिक तड़का विद रीना। और आज हम बनाने जा रहे हैं वेज मंचूरियन। हाँ जी, आपका फेवरेट है ना। ये देखिए कितना सॉफ्ट और जूसी हमारा वेज मंचूरियन है। ये बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी है, अंदर से बिल्कुल जूसी है। और इस पे लगा है खट्टा मीठा चटपटा सॉस। ये देखिए, ये बिल्कुल चाइनीज़ फ्लेवर की सबसे बेस्ट डिश मुझे लगती है और मेरी फेवरेट भी है। ये देखिए सब्जियाँ सारे फ्लेवर्स के ऊपर लगे हुए हैं। और ये है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वेज मंचूरियन जो मैंने बनाई है बिल्कुल सिंपल तरीके से। और आप भी इसे बनाएंगे ना तो ये रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो फ्रेंड, सबसे पहले आप मैजिक तड़का विद रीना को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो चलिए फ्रेंड, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है एक मीडियम साइज़ पत्ता गोभी, एक गाजर और एक शिमला मिर्च। अब इन सब्जियों को हम कद्दूकस कर लेंगे। ये देखिए मैंने कद्दूकस कर लिया है। और जो ये पत्ता गोभी है इसको मैंने निचोड़ कर सारा पानी इसका अलग कर लिया है। आप टेंशन ना लें, पत्ता गोभी का सारा पानी जो है वो अलग कर लें ताकि हमारी जो बॉल है वो एकदम बढ़िया तैयार हो। और यहाँ पर मैंने गाजर, शिमला मिर्च और अदरक लहसुन को भी अच्छे से ग्रेट कर लिया है। ये देखिए इसी तरह से आपको तैयार कर लेना है। और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि जब हम पत्ता गोभी में नमक को ऐड करेंगे तो वो लिक्विडी हो ही जाएगी और उसमें वेजिटेबल का भी अच्छा फ्लेवर आएगा। यहाँ पे मैंने 3 चम्मच कॉर्न स्टार्च लिया है यानी कि कॉर्न फ्लावर, और 3 चम्मच मैदा लिया है। मसालों में मैंने लिया है 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच काली मिर्ची, 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच मिर्ची और 1/2 चम्मच हल्दी। ये हमने मंचूरियन बॉल की सारी सामग्री ली हुई है। अब एक बॉल में सारी सब्जियां जो हमने ग्रेट की थी वो डाल देंगे, अदरक लहसुन भी इसमें डाल देंगे और इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और सारे मसाले जो मैंने आपको पहले बताए थे वो भी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो मैंने कॉर्नफ्लावर और मैदा लिया है उसकी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी इसमें डालकर इसको अच्छे से हाथों से दबा दबा के मिक्स करेंगे ताकि जो गोभी का कोई बड़ा पीस रह गया होगा तो वो भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये देखिए मैं फिर से थोड़ा सा डाल रही हूँ और थोड़ा थोड़ा करके ये दबा दबा के मैंने इसका अच्छे से एक डो बना लेना है। अभी देखिए पहले हमारी गोभी एकदम ड्राई थी ना, अब धीरे धीरे वो लिक्विडी हो रही है। ये देखिए बस इसी तरह से अब इससे एकदम लिक्विडी होने से एकदम सॉफ्ट बनेंगे हमारे मंचूरियन बॉल्स। अब ये देखिए हमारा डो तैयार है। अब हम इसके गोल गोल एक बॉल से तैयार कर लेंगे। जो भी साइज़ आपको चाहिए होगा वो आप बना सकते हैं। छोटा बनाना चाहते हैं छोटा बनाइए, बड़ा बनाना चाहते तो बड़ा। और एक प्लेट में मैंने थोड़ा सा मैदा डाल दिया है और ये बॉल को रख लिया है। अब इससे मेरी तैयार हुई है 20 से 22 बॉल। अब मंचूरियन बॉल को हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए कढ़ाई में तेल को गर्म करेंगे। मैं पहले चेक कर लेती हूँ कि तेल तैयार है कि नहीं। ये देखिए इसमें बबल्स आ रहे हैं तो हमारा तेल बिल्कुल तैयार है। अब मैं अपनी मंचूरियन बॉल को भी एक बार चेक करूँगी। ये देखिए हमारी जो बॉल है वो क्रैक या टूटी नहीं है, इसका मतलब हमारा डो बिल्कुल ठीक है। अगर आपकी टूट रही हो तो उसमें आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और मिला सकते हैं। और इस तरह से अब हम अपनी सारी बॉल्स को अच्छे से फ्राई करेंगे मीडियम हीट में। मैं फ्रेंड ज़्यादा गर्म तेल में नहीं डालना है, नहीं तो ये जल जाएंगी। और कम सिम में करेंगे तो ये बिल्कुल टूट जाएंगी। तो उसको मीडियम फ्लेम पर ही गोल्डन ब्राउन, हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक पहले हम फ्राई करेंगे अपनी बॉल्स को। ये देखिए इस तरह से अब ये बॉल्स जो हैं हमारी गोल्डन हो चुकी हैं। तो अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे और इसको हम ठंडा करेंगे 5 से 10 मिनट तक के लिए, क्योंकि हमने इसको दोबारा से फ्राई करना है क्रंची करने के लिए। ये देखिए अब मैं इसको 10 मिनट तक ठंडा करूँगी। अब 10 मिनट हो गए हैं तो मैंने तेल को फिर से गर्म करने रख दिया है और इसमें मैं अपनी बॉल्स को एक बार दोबारा से अच्छे से ब्राउन होने तक फ्राई करूंगी। हमने जलाना नहीं है, बस इसको हल्का सा ब्राउन करना है ताकि हमारी मंचूरियन का कलर थोड़ा सा डार्क आए। ये देखिए कितनी अच्छी ये फ्राई हो गई हैं। ये देखिए इसका साउंड सुनिए, कितना अच्छा इसका साउंड आ रहा है ना। बस इसी तरह से आपने कर लेना है और अंदर से देखिए कितनी ये जूसी बन के तैयार हुई है, बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड। और सॉस बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है एक गाजर, उसको मैंने अच्छे से काट लिया है छोटा छोटा पीस में। अदरक लहसुन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको भी छोटा छोटा काट लिया है। प्याज और कैप्सिकम को भी काट लिया है। और लिया है 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच काली मिर्च, 1/4 चम्मच मैंने चिली फ्लेक्स लिया है और 2 चम्मच सेजवान सॉस लिया है। इससे जो मंचूरियन में है ना फ्रेंड वो जान आ जाती है, सेजवान चटनी, तो आप ज़रूर डालिएगा इसे। और यहाँ पे मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है और उसको 3 से 4 चम्मच पानी मिला के
एक स्लरी बना ली है, एक घोल बना लिया है जो हमारे सॉस में काम आएगा। अब मैंने एक पतली कढ़ाई ली है और उसमें 2 चम्मच हमने तेल डाला है अपना सॉस बनाने के लिए। आप भी कोई पतला बर्तन ही यूज़ कीजिए, आपके पास चाइनीज़ कढ़ाई है तो वेल एंड गुड है। अभी देखिए मेरा तेल अच्छे से गर्म हो गया है, तो इसमें मैं डालूँगी जिंजर और गार्लिक, मतलब अदरक लहसुन जो मैंने काटा था, ढेर सारा इसमें लहसुन मैं डालूँगी ताकि फ्लेवर आए एकदम मस्त। अब हमारी जो अदरक लहसुन है वो ब्राउन हो गई है, तो इसमें प्याज और हमारे जो गाजर है हम उसको सबसे पहले डालेंगे और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, बस हल्का सा फ्राई करना है, इनको हमने ब्राउन नहीं करना है। ये देखिए थोड़े से फ्राई हो गए हैं, तो मैंने अब इसमें कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च डाल दी है, इसको भी हम हल्का सा भूनेंगे। हमने अपनी सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाना है, उनको सॉफ्ट करना है ताकि क्रंच उनमें बरकरार रहे। ये देखिए अब मैं सेजवान चटनी, चिली फ्लेक्स और काले मिर्च का जो मैंने पहले बताया था सब इसमें डाल दूंगी और फ्लेम को एकदम हाई पे रखना है और इसको हाई फ्लेम पे ही बनाना है। और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना फ्रेंड, मैं बता नहीं सकती। और कलर देखिए, सेजवान चटनी तो बहुत ही अच्छी लगती है। और इसमें मैंने डाले हैं 3 चम्मच सोया सॉस, अगर आपके पास डार्क सोया सॉस है तो आप कम डालिएगा। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे रेड चिली सॉस, 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस क्योंकि मुझे चटपटा अच्छा लगता है, और 3 चम्मच मैंने यहाँ वाइट विनेगर डाला है। सोया सॉस आप देखिएगा, अगर आपके पास डार्क है तो डार्क कम डालिएगा और लाइट है तो ज़्यादा। अब इसमें मैंने 3 चम्मच जो है टमाटो केचप डाला है ताकि जो मैंने सॉसेस या सोया सॉस या विनेगर और चिली सॉस डाले हैं उनको बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर डाला है टमाटो केचप। ये देखिए हमारा सॉस कितना बढ़िया तैयार हुआ है, देख रहे हैं ना फ्रेंड, कितना बढ़िया ये दानेदार देखने में भी लग रहा है और एकदम खाने में भी लगेगा। अब मैं इसमें डालूंगी 1 कप पानी और इसमें आने दूंगी 1 बाउल। जैसे ये 1 उबाल इसमें आए, इसमें थोड़ी थोड़ी करके हमने स्लरी मतलब जो घोल तैयार किया था वो डालेंगे, और घोल अपने हिसाब से डालना फ्रेंड। पहले आप देख लेना कि आपकी थिकनेस कितनी आपको चाहिए सॉस में, थिकनेस मतलब ज़्यादा गाढ़ा मत कीजिएगा, थोड़ा पतला सॉस ही रखिएगा क्योंकि इसमें जब मंचूरियन डलेगा ना, ये देखिए कितना बढ़िया हमारा जो सॉस है वो तैयार हो गया है। आपको भी इसी तरह से थोड़ा पतला रखना है क्योंकि जैसे ही हम इसमें मंचूरियन डालेंगे वो इसका जो सॉस है वो ले लेगी अपने अंदर। अब ये देखिए मैंने थोड़ा सा इसमें गरम मसाला डाला है, यहाँ मैंने पुदीने की पत्तियाँ भी डाली हैं फ्लेवर के लिए, जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है फ्रेंड। अब मैं अपने सॉस में डाल दूंगी अपनी मंचूरियन बॉल को। अब ये सारा सॉस जो है ना वो कुछ इसके अंदर भी अब्जर्व हो जाएगा और थोड़ा इसके ऊपर भी रहेगा, इसलिए आप अपने सॉस को ज़्यादा थिक मत कीजिएगा, थोड़ा पतला ही रखिएगा। ये देखिए अब ये धीरे धीरे इसके अंदर सारा जूस इसमें आ जाएगा, और हमने अपने बॉल्स को ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 1 मिनट तक ही इसको रखना है। अब मैंने इसमें डाली है हरी प्याज और ये देखिए कितना बढ़िया हमारा मंचूरियन बनके तैयार हो गया है फ्रेंड। ये खाने में फ्रेंड सुपर्ब लगेगा आपको, बस थोड़ा इसमें आप नमक का ध्यान रखिएगा, नमक थोड़ा कम डालिएगा क्योंकि सोया सॉस में भी नमक होता है और सारी सब्जियों में भी नमक है, सारे चटनियों में भी नमक है, तो इसलिए नमक पर थोड़ा कंट्रोल रख के ध्यान से इसको बनाएंगे तो ये सुपर टेस्टी बनके तैयार होगी। तो फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो या मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।